The Indian Medical Association has suspended the membership of Sandeep Ghosh, the former principal of Arjikar Medical College and Hospital. He's under investigation for financial irregularities and lapses in the handling of the rape and murder case at the hospital when he was the principal of Arjikar Medical College and Hospital. The IMA, the Indian Medical Association, has said that the disciplinary committee constituted by National President Dr. R.V. Ashokan has unanimously decided to suspend the membership of Dr. Sandeep Ghosh, the vice president of the IMA Calcutta branch as well. Well, this comes days after, rather 2 weeks after, the brutal and horrific crime that took place in Kolkata and shook the establishment of the state as well. And now a formal announcement from the IMA itself coming into the being. Joining me on the broadcast is my colleague Renik. Renik, very good morning to you. As we understand that yesterday, the IMA had decided to suspend Sandeep Ghosh, who is under CBI's radar and being quizzed also, and along with him also the financial irregularities, there is another police person, the ASI, who has also been under the radar and being probed. The CBI in fact is also looking at more other various aspects to continue the probe into the rape as well, but as of now the membership has been suspended by the IMA of Dr. Sandeep Ghosh. What exactly did the comment made in context with the case that has been grabbing headlines for over 2 weeks now? देखिए, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल संदीप घोष, उनके खिलाफ में सीबीआई का दो इन्वेस्टिगेशन जारी है. सीबीआई की तरफ से एक तरफ रेप एंड मर्डर केस में संदीप घोष को पूछताछ जारी है, उनका पॉजिटिव टेस्ट किया गया है. दूसरी तरफ एंटी करप्शन विंग की तरफ से उनके खिलाफ में, संदीप घोष के खिलाफ में फाइनेंशियल करप्शन के जो चार्जेस, वो चार्जेस लगाए गए हैं. और संदीप घोष का पूरा ये इंसिडेंट में, यानी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो छात्री का रेप करके मर्डर कर दिया गया है, वो पूरा घटना में संदीप घोष का पूरा रोल है. इस तरीके का बात भी बार बार से डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था, जो स्टूडेंट थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था. इसको लेकर ही कल आईएमए की तरफ से ये डिसीशन लिया गया है. आईएमए का जो नया कमेटी तैयार किया गया है, उस कमेटी में कमेटी से ये डॉक्टर संदीप घोष, जो एक्स प्रिंसिपल उनको सस्पेंड कर दिया गया है. और आईएमए की तरफ से पहले भी ये जो घटना को लेकर निंदा किया गया था, उसके बाद आईएमए की तरफ से बहुत सारे स्टेटस भी दिया गया था ये घटना के बाद. उसके बाद ही एक बड़ा स्टेप संदीप घोष के खिलाफ भी आईएमए की तरफ से लिया गया. आईएमए का जो मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया ये संदीप घोष का तरफ से. संदीप घोष को सिर्फ आईएमए की तरफ से सस्पेंड नहीं, साथ साथ ही पूरा जो उनका जो डॉक्टर लाइसेंस, उसको कैंसिल किया जाए, ये दावी भी जो स्टूडेंट्स है उनकी तरफ से किया जा रहा है. स्टूडेंट की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष, ये संदीप घोष मेन जो एक्यूज है और मेन एक्यूज के साथ भी मिला हुआ हो सकता है, और इसी वजह से संदीप घोष के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए. इसको लेकर ही बार बार से आंदोलन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स इंटर्न है, उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है. और उसी बीच में आईएमए की तरफ से ये जो डिसीजन, ये डिसीजन स्टूडेंट का एक दावी को मान लेता है, क्योंकि आईएमए की तरफ से उनको जो सस्पेंड किया गया है उसको वेलकम करेंगे डॉक्टर्स. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.